मैंने खट्टी टॉफी खाई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैं अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मेरा आज दूसरा व्लॉग है। तो मैं आप सभी को अपने व्लॉग में अपनी डेली लाइफ, अब ट्रैवलिंग व्लॉग्स और अपना डेली रूटीन दिखाऊंगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मुझे कॉलेज जाना है। तो अभी मैं रेडी होऊंगा और अगर मेरे व्लॉग में आपको कोई भी गलतियाँ दिखती हैं तो उसे प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसे फ्यूचर में और इम्प्रूव कर सकूँ। और जो चीज़ अच्छी लगे वो चीज़ भी बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को और अच्छी बना सकूँ। तो आगे का व्लॉग देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस, फाइनली अभी मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं। मैं लेट हो गया था, जिस वजह से मैं रास्ते में शूट नहीं कर पाया और कुछ दिखा नहीं पाया। तो अभी मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं, तो मैं आपको अभी अपना कॉलेज दिखाता हूं और मैं अपने फ्रेंड्स से भी मिल चुका हूं, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूं। तो मैं आपको अपने पहले दोस्त से मिलाता हूँ। ये भाई हमारे यूपी से हैं। तो भाई नाम बताओ अपना। भाई मेरा नाम है शिवम मलिक। अरे भाई, तो भाई ये हमारे दूसरे दोस्त हैं, इनका नाम है सजन, ये है निखिल। हेलो भाई। भाई पीछे तो मुड़ जा। तो ये रहा मेरा एक और दोस्त। कल मैंने खट्टी टॉफी खाई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई खट्टी टॉफी तो खाते रहेगा, पर नाम तो बता दे अपना। भूपेंद्र जोगी फ्रॉम वकांडा फॉरएवर। तो गाइस, अभी हम लोग हिल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वहाँ पे डांडिया नाइट की तैयारियाँ चल रही है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इतने ठंड में भी इन लोगों को आइसक्रीम खाने की लगी हुई है। स्वेटर पहन रखी है और आइसक्रीम खा रहे हैं। वाओ। तो गाइज, ये रहा हिल जाने का रास्ता और सामने ये रहा चार खंबा, जहाँ से सामने सीधी रोड जाती है हिल की तरफ को। तो ये रहा ग्राफिक एरा का एक हॉस्टल। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये जो सामने की रोड है, बस यहीं से जाते हैं हिल की तरफ को। तो अभी चलते हैं हिल की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या है, कैसा है। तो गाइज, अभी हमें चलते चलते हमारे दो और दोस्त मिल चुके हैं। ओह माय गॉड, भाई क्या हो गया भाई? अबे कहाँ से आ रहे तुम लोग? अबे कहाँ से आ रहे भाई, बता ना। टीम में ना बहुत सारे लोग थे टॉयलेट में, तो और टॉयलेट आ रही थी, हम यहाँ आ गए। अच्छा भाई, सही है। क्या क्लास चल रही है यहाँ पे? नहीं भाई, तुम टॉयलेट करने तो दूर आए हो। अबे वहाँ पे भरा हुआ था टॉयलेट। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग ने देख लिया वहाँ पे क्या करके कैसे? अबे तुम लोग ने देख लिया वहाँ पे क्या है? वहाँ पे देख लिया क्या क्या कर? अच्छा चलो भाई, तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं हिल यूनिवर्सिटी में। तो कुछ ऐसी है हिल यूनिवर्सिटी और यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं। तो आइए आगे चल के दिखाते हैं आपको। यार वॉशरूम चलना है पहले एक और बारी, मुझे ना वहाँ आते दोबारा। चलो भाई चलो। कुछ ऐसी दिखती है हिल यूनिवर्सिटी अंदर से, और यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है बच्चों ने, जो कि यहाँ पे लगाई गई है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाई है बच्चों ने। तो अभी हम लोग हिल यूनिवर्सिटी के मेन ग्राउंड में खड़े हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है और कुछ ऐसा दिखता है हिल यूनिवर्सिटी आगे से। और यहाँ पे चल रहा है आर्म रेसलिंग का कॉम्पिटिशन। सो गाइस, ये है हमारे बैचमेट्स का स्टॉल, जिन्होंने लगा रखा है मोमोज वगैरह के स्टॉल। और इनकी शॉप का नाम है
स्टॉल का नाम है BCA मोमो वाला। सजल अपनी मम्मी के लिए झुमके लेते हुए, सजल भाई कैसे लग रहे हैं? झुमके ही भाई। गाइस दो बार की टॉयलेट कर लिया, अब हम वहाँ जा रहे हैं, हम थक गए हैं चलते चलते यहाँ पे। टूट गए टूट गए, जब पेशाब करने इतने दूर आना पड़ता है। तो फाइनली अभी मैं घर आ चुका हूँ। कॉलेज में काफ़ी थकान होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ आने का शूट नहीं कर पाया। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।